गांव राजपुर जिला कैमूर स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय में 9 साल से 150 बच्चों को दो ही टीचर पढ़ाते थे, जिससे कि बच्चों को नियमानुसार शिक्षा नहीं मिल पाती थी। हमारे गांव में स्कूल की समस्या है, स्कूल में शिक्षक की कमी होने के कारण बच्चे जो है ना इधर उधर घूमते रहते हैं, पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग ना प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं। आवेदन देने के बाद भी यहाँ पर भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई रही है। इस वीडियो में बदलाव लाने के लिए समुदाय के साथ बैठक की, बैठक में ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन लिखा गया, समुदाय के साथ दिया गया। हम लोगों ने जन समुदाय के अनुसार आवेदन लिखकर हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ दिए और उसमें उस पर हम लोग पहल करते रहे, बार बार उनसे मिलते रहे। मिलने के बाद ऐसा हुआ कि अब जनवरी 2016 से वीडियो बना था, लेकिन अब दिसंबर 2016 को दो टीचर इसमें बहाल हो गए। यहाँ दो शिक्षक हुआ करते थे, मैं जब आया तब तक तीन टीचर यानी तीसरे टीचर की बहाली हो चुकी थी। 128 बच्चों पे सिर्फ दो ही शिक्षक थे, जो काफी परेशानी होती थी पढ़ाने में। अभी आपको जानकारी होगी कि एक उर्दू के शिक्षक बहाल हुए हैं वहाँ नवंबर माह में, और एक सामंजन के तहत और शिक्षक चले गए, तो इस तरह से कुल 4 शिक्षक हो गए। और अब शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो गई है, अब वहाँ कार्य करने में कोई परेशानी नहीं। यहाँ हम हमारी बहाली जो उर्दू बेसिक गेट पे है, तो हम उर्दू के टीचर यहाँ बहाली हैं। यहाँ पर पहले कितने टीचर थे? यहाँ पहले 2 टीचर थे और बच्चे 135 के करीब थे, तो 2 टीचर में बच्चे मैनेज नहीं हो पाते। टीचर को आ जाने से इसमें लड़कों की पढ़ाई भी अच्छी होने लगी है और गांव के लोग भी खुश हुए हैं, इससे अब लड़कों को दिक्कत नहीं हो रहा है, अब भरपूर पढ़ाई लोगों को मिल रहा है। एक खातिर हमने के ब्लॉक में बनी जा दरखास्त दियाई, वीडियो भई बहुत सब है, तो अब मास्टर आई गाना दो गोया हुई है, अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छा पढ़ाता ना बच्चा, अच्छा ज्ञान पाता ना। वीडियो बनाने के 7 महीने बाद इस वीडियो में बदलाव हुआ। मैं ममता देवी, राजपुर जिला कैमूर, राज बिहार, इंडिया अनहर्ड के लिए।